एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस पार्टी अपने अध्यक्ष तय कर नहीं पा रही है। कांग्रेस में सच बोलने वालों को गद्दार करा दिया जाता है। कांग्रेस में यहां से लेकर दिल्ली तक पोल ही पोल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मनुआभान की टेकरी पर 50 एमएलडी क्षमता वाले जल शोधन संयंत्र का लोकार्पण विधि विधान से किया। इसके साथ ही पुराने भोपाल में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से शुद्ध पानी सप्लाई होगी। इससे 3.5 लाख आबादी को फायदा होगा। इस मौके पर सीएम शिवराज ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने पर कहा कि मंत्री समूह की सिफारिश पर रिपोर्ट मिल गई है, जिस पर नीति आयोग के साथ चर्चा होगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी को हटाने को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा है। कांग्रेस पार्टी अपने अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही है। सच बोलने वालों को गद्दार करार दिया जा रहा है। तलवे चाटने वाले वफादार और सच बोलने वाले धोखे गद्दार कहे जाते हैं। आज भोपाल वासियों को बहुत बड़ी सौगात मिली है। कल सभी सौगात के सचिव से उससे लेकर भाई थोड़ा पीछे कर और आज हमारा बैरागल हो, लांबा खेड़ा हो, करौन भानपुरा जो बड़ा इलाका था, यहाँ प्रत्येक घर में ठीक से पेयजल पहुंचे, शुद्ध पेयजल पहुंचे, उसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का आज लोकार्पण हुआ है। लगभग 90 करोड़ रुपए की लागत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और बाकी कामों में लगा है, लेकिन कुल मिला के घरों में पानी पहुँचाने के लिए किसानों के लिए पाइपलाइन के नेटवर्क बनाया गया है, उसमें लगभग 125 करोड़ रुपए लगे हैं। लेकिन पुराने भोपाल के महत्वपूर्ण में पानी नहीं पहुँचता था, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से शुद्ध पानी 23 टंकियों में जाएगा। वहां से एक बड़े इलाके में लगभग 3.5 लाख आबादी जिससे शुद्ध पेयजल ले पाएगी, पी पाएगी, वहां ये पानी पहुंचेगा। मैं आज भोपाल वासियों को जो लाभान्वित हो रहे हैं शुद्ध पेयजल के लिए, सबको बधाई। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।